हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ऐसे हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया कि बैकर गमोन का वीडियो बनाओ। मैं सोच भी रहा था इसका वीडियो बनाने का, तो उन व्यूअर का नाम है यथार्थ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप बैकर गमोन क्या है वो अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है बैकर गमोन, इसको ऐसे सेटअप करते हैं जैसे कि मैंने दे रखा है। दोस्तों इसमें दो होते हैं, दो जैसे कि आप बॉक्सेस देख रहे हैं, एक आउटर बॉक्स होता है, एक इनर बॉक्स होता है जिसे होम बॉक्स भी कहते हैं। तो जो ये है इसमें नंबरिंग होता है, जो ये आप ट्रायंगल्स देख रहे हैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 24 तक पूरे नंबरिंग होते हैं। इसी तरह से यहाँ से भी 1, 2, 1, 2, 3, 4 करके यहाँ तक 24 होते हैं। ये दो प्लेयर्स का गेम होता है, दो प्लेयर्स मिलके खेलते हैं और एक प्लेयर एक तरफ बैठता है, दूसरा प्लेयर दूसरी तरफ इस तरफ बैठेगा और जो प्लेयर बैठेगा उसका सामने से उसका नंबरिंग मतलब उसी के सामने से नंबरिंग शुरू होगा। जैसे कि एक प्लेयर इस तरफ बैठा है तो उसका जो क्यूब्स है मतलब ये ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स का नंबरिंग होगा यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐड कर ऐसे करके 24 तक ये लास्ट होगा 24। इसमें नंबरिंग नहीं लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए ऐसे नंबरिंग होगा। और इस साइड जो प्लेयर बैठा है उसका नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा 1, 2, 3, 4 करके ऐसे करके 24। अब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर जो प्लेयर इधर बैठा है उसके पास वाइट चेकर्स होंगे और जो प्लेयर इधर बैठा है उसके पास ब्लू होंगे, मतलब डिफरेंट कलर का होगा और अपना इस तरह से सेटअप करेगा। जो इधर पहले बैठा हुआ है जैसे कि ब्लू आप समझ देख लीजिए ब्लू है, वो इस तरफ के प्लेयर का है और जो वाइट है जो इस तरफ के प्लेयर का है। अब इसे खेलते कैसे हैं, ऐसे सेटअप करते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है, जैसे कि बिल्कुल इसी तरह से सेटअप करना है। और इस गेम को खेलने के लिए हमें 2 डाइस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले चलने से पहले गेम स्टार्ट करने से पहले करना कि कौन प्लेयर पहले चलेगा। इसे एक डाइस से दोनों प्लेयर रोल करेंगे और जिस प्लेयर का हाईएस्ट नंबर आएगा वो प्लेयर पहला टर्न चलेगा। तो अब ये सिलेक्ट हो जाएगा कौन टर्न पहला चलेगा, उसके बाद हम चलते हैं स्टार्ट करते हैं। जो मतलब पहला टर्न चलेगा वो दोनों डाई को रोल करेगा और जो डाई है वो इसी बोर्ड पे आना चाहिए, गिरना चाहिए, बोर्ड के बाहर नहीं गिरना चाहिए, उसे नहीं माना जाएगा। और जैसे कि जो नंबर आएंगे उस नंबर को चलना है। तो हमने शुरू करा, जो नंबर आएंगे उन दोनों नंबर को या तो हम एक डाई वो टोटल करके चल सकते हैं या तो अलग अलग डाई चल सकते हैं। जैसे कि हमारे 6 और 4 आया है तो मेरा जो है ये है मेरा ब्लू वाला, तो मैं अपना इसको एंटी क्लॉक वाइज लेकर मुझे अपने होमवर्क, ये मेरा होमवर्क है, अपने होमवर्क तक लाना होगा। तो जैसे कि 4 और 6 आए हैं तो आप कैसे चलेंगे मैं बताता हूँ। जैसे आप 4 और 6 आए तो आप 2 गोटी को चल सकते हैं, 2 चेकर्स को, 1 को 4 और 1 को 6 या फिर 1 को ही 10 कदम चल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं 1 को 4 कदम चलता हूँ, जैसे कि यहाँ हो गया 1, 2, 3, 4, तो 4 मेरा हो गया यहाँ पर, ये हो गया मेरा 4 और दूसरे को मैं 6 चलूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 6 इस तरह से। या तो इस तरह से भी चल सकते हैं आप दोनों को एक 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 चेकर्स को अलग अलग टर्न या फिर एक ही चेकर्स को दोनों को सम जो कि हो गया 10 तो कर चल सकते हैं। यहाँ पर हमारा 6, 10 यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा, जैसे 4 हो गया 6, 7, 8, 9 और 10 तो इस तरह से हम चल सकते हैं। जो भी नंबर आया हमारे पास 2 डाइस में वो उसका टोटल चल सकते हैं या फिर अलग अलग 2 चेकर्स को हम चल सकते हैं जितने नंबर आए हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक और बार चलता हूँ, 2 आए। और एक और ख़ास बात, जैसे कि आप चलते हैं तो दोनों डाई पे सेम नंबर आता है, जैसे इन दोनों डाई पे एक नंबर आया है दोनों सेम है, तो इस केस में क्या होता है आपके पास एक एक्स्ट्रा टर्न और मिल जाता है। जैसे कि आपके पास 1 आया तो अगर आपके पास कोई नंबर आता तो आप उन दोनों डाई को उसी टोटल जितना सम है उतना ही नंबर चलते, जैसे कि ये 2 है तो आप 2 ही चलते, या तो मैक्सिमम 1 डाई को 2 कदम चलते या फिर 2 डाई को एक एक कदम ऐसे करके हम चल देते इस तरह से। पर जैसे कि यहाँ पर इसमें 2 आए हैं 2 1 आए हैं दोनों पे 1, तो इस केस में मुझे और एक्स्ट्रा टर्न मिला है, उसमें क्या करूँगा कि मैं और 2 बार 1 चल सकता हूँ, इस मतलब कि टोटल 4 बार मैं 1 चल सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 1, 2, 3, 4 या तो इस तरह से 4 बार चल लिया या फिर एक ही डाई को 4 बार 4 कदम चल लूँगा इस तरह से 4 होगा, या फिर 1 को 2 और दूसरे को 2 यहाँ पर आ जाएगा 2 इस तरह से, मतलब किसी भी तरह से आपको 4 कदम चलना है, आपको 4 कदम इस केस में मिल जाता है। अगर वही मेरे पास नंबर आ जाता 2 इस तरह से 2 2 आ जाता 2 बार तो इसमें क्या करता मैं टोटल 8 बार चल देता, 8 बार या तो मैं सीधा 8 यहाँ चल देता या तो मैं 4 दोनों को 4 कदम चल देता। अगर नंबर कुछ इस तरह से आते हैं 6 और 2 8 तो आप इसका 2 ही कॉम्बिनेशन है आपके पास, या तो 2 या तो 6 चलेंगे, इस केस में आप कुछ और कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। पर जब मेरे पास दोनों सेम नंबर आए हैं, जैसे कि मेरे पास दोनों सेम नंबर है 2 2 और तो इस केस में 2 एक्स्ट्रा टर्न मिल गया जो कि 8 होता है मेरे पास, इसके 2 और एक्स्ट्रा टर्न मिल गए जो कि मेरे पास होता है टोटल 8 नंबर, तो मैं 8 का कॉम्बिनेशन बना के चल सकता हूँ, 6 2 8 4 4 8 किसी भी तरह से आप कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हैं। वो सिर्फ इसी केस में होगा जब 2 नंबर सेम आएंगे। तो आप क्या होता है, जैसे हम चलते हैं स्टार्ट गेम हो गया, आपने चला, प्लेयर ने चला, आपने चल चल के कैसे कर दिया, कहीं भी आपने मतलब जो अपोनेंट प्लेयर है वो तो अपना होमवर्ड यानी यहाँ पर लाएगा तो वो इस डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में वो चलेगा इस तरह से, और हमारे हमको इस डायरेक्शन में चलना है, इस डायरेक्शन में
मैं आपको चल के देखता हूँ, एक दो बार आपको चल के दिखा देता हूँ। जैसे 5 और 2 आए तो मैं अपना चल देता हूँ यहाँ को, मैं किसी को भी चल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको चल सकता हूँ। इसको पहले मैं जैसे सेटअप था वैसा मैं रख देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरे 5 और 2 आए हैं तो मैं चाहूँ तो इसको भी चल सकता हूँ, क्योंकि मेरा होमबोर्ड ये है, मुझे यहाँ पर लाना है अपने सभी गोटियों को। तब 5 और 2 करके यहाँ पर मेरा 5 हो जाता है, और 1 को मैं 5 यहाँ चल सकता हूँ, 1 को मैं 2 यहाँ चल सकता हूँ, या फिर 5 और 2 टोटल करके मैं यहाँ पर ला सकता हूँ दोनों को, क्योंकि मेरे जो टोटल कदम हो रहे 7, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। इसी तरह से कोई फिर दूसरे प्लेयर का टर्न आएगा अपोनेंट का, उसका इस तरह से 5 और 6 आ गया तो अपने यहाँ पर चल देगा वो, 3 4 5 6, 6 यहाँ पर आ रहा है उसका, तो अपना वो 6 नहीं चल सकता, तो यहाँ पर 5 अपना ये चलेगा और 1 अपना ऐसे चल देगा। और एक बात कि आपको कम से कम एक जो ट्रायंगल है उसमें कम से कम 2 गोटी रखना। अगर आप 2 गोटी रखते, जैसे कि यहाँ पर मेरे 3 गोटी हैं और यहाँ पर मेरे 3 चेकर्स हैं, और अपोनेंट के यहाँ पर आ जाते हैं 4, अब वो ये चलना चाहते हैं तो ये नहीं चल सकता, क्योंकि 4 जो है मेरे इस पर आ रहा है ट्रायंगल पे, और यहाँ पर मेरे ऑलरेडी 3 चेकर्स हैं तो उसका वे ब्लॉक हो चुका है, वो यहाँ पर नहीं चल सकता है। अगर 5 होता तो वो यहाँ चल देता, 3 होता तो यहाँ चल देता, पर वो 4 यहाँ पर नहीं चल सकता है। और अगर इस तरह से अगर मेरा होता कि मेरा उसका 4 होता और मेरा यहाँ पर एक सिंगल ही चेकर होता, और इस केस में वो 4 चल सकता था, यहाँ पर चल जाता, और क्या होता, मेरा जो गोटी है, जो ये मेरा चेकर है, वो मेरा हो जाता, उसको कह रहे डेड, कैंसिल, आप कुछ भी कह लीजिए, वो हो जाता मेरा डेड, और वो आ जाता इस पे, ये जो लाइन है इसको हम बार कहते हैं, और यहाँ पर वो गोटी जो उसने चलाया, जैसे 4 चलाया, 4 यहाँ पर कर दिया, तो मेरा जो चेकर था यहाँ पर वो तो मेरा डेड हो गया, वो यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है इस केस में, अब इस तरह से हो जाते किसी का भी, मान लीजिए अपोनेंट ने आपका चेकर जो है आउट कर दिया है, बाहर कर दिया है, जो कि आ जाता है आपके बार पे, फिर वो जो चेकर है वो आपको बार पर रखना पड़ेगा, और नेक्स्ट टर्न जो होगा आपका, तो आपको बाकी आप जो चेकर से वो नहीं हटा सकते, वो हिला नहीं सकते, सबसे पहले आपको जो बार वाला चेकर है उसको यहाँ से मूव करना पड़ेगा। मूव करेंगे जैसे कि हम डाई को करेंगे रोल, मूव सिंपल करते हैं, जो हमारा जो नंबर आया है वही नंबर ऐसे चलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर अपोनेंट के चेकर हम इस तरह से मान लेते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इस तरह से मान लेते हैं ये अपोनेंट के चेकर है, और उसने हमारा रास्ता ब्लॉक कर देगा, ये 3 रास्ता हमारा ब्लॉक कर रखा है, और हमें इसमें निकलना है, तो हमें कम से कम 4 चाहिए, क्योंकि 5 चाहिए, 5 यहाँ पर आएगा तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और मेरे 2 आए हैं, 1 और 1 2, और यहाँ पर दोनों सेम नंबर है, तो मैं इनको 4 बार चल सकता हूँ, यानी कि मेरे 4 हो जाते हैं, और टोटल मेरे 4 होते हैं, और 4 मेरा आता है यहाँ पर, अपोनेंट के 2 चेकर्स हैं, तो ये मेरा रास्ता ब्लॉक है। रास्ता ब्लॉक होगा या तो मिनिमम 2 चेकर्स होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा, कितना भी होगा, 2 से ज़्यादा, मैक्सिमम 5 चेकर्स हो सकते हैं एक ट्रायंगल पे, और मिनिमम 2, मतलब रास्ता ब्लॉक करने के लिए, एक मिनिमम तो 1 होता है, मैक्सिमम 5 एक ट्रायंगल पे, पर अपोनेंट ने आपका रास्ता ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर उसका 2 है, और हम उसको मार भी नहीं सकते, क्योंकि 2 चेकर्स है, और ये सिंगल मार नहीं सकते हम। अगर उसका सिंगल 1 होता इस तरह से होता और हमारा चेहरा, तो हम यहाँ पर आ सकते थे, उसका चेकर हम यहाँ पर मार देते, डेड हो जाता, उसका चेकर भी यहाँ आ जाता, पर अभी क्या है कि उसका चेकर ऐसे है, तो हम ये नहीं कर सकते, और इस केस में क्या हमारा टर्न लूज़ हो जाएगा, हम अपना टर्न छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट अपोनेंट चलेगा। अगर मेरा भी अगर दोबारा अगले टर्न में दोबारा मुझे यही करना होगा, जब तक मुझे यही चलना पड़ेगा तब तक मेरा यहाँ से बाहर नहीं आ जाता, जो कि यहाँ पर बाहर आने के लिए जैसे मेरा नंबर आया 5 और 3 4 और 3, ठीक है, तब मुझे इसको या तो यहाँ लाना होगा और या तो यहाँ लाना होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा 5 है तो यहाँ पर ला नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम 5 है, और यहाँ पर मेरा 5 नहीं होता, इसको मान लीजिए हम कहीं और होता तो यहाँ पर मैं ला सकता था, जो यहाँ पर मेरा आ रहा है 6, और मेरा आया 4 3 7, तो यहाँ पर नहीं ला, यहाँ पर मैं ला सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपोनेंट का 1 चक्कर है, तो मैं यहाँ पर 4 जो है मेरा, तो मैं 4 ला नहीं सकता 3। दोस्तों इस केस में ऐसे नहीं चल सकती, इसका एक रूल है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर हम जो डाई है नॉर्मल डाई हम चलते हैं तो उसको हम सम करके चल सकते हैं, पर जब मेरा जो हमारे चेकर से मतलब नॉर्मल चेकर जो बार पे है चेकर, उसको हम सम करके नहीं चलते, जैसे कि 4 और 3 है, 4 3 हमारा 7 हो जाता है, तो हमारा 7 हो जाता है यहाँ पर आता है, तो हम इसको सम करके यहाँ पर डायरेक्ट नहीं चल सकते, क्योंकि हमें कोई एक ही चलना पड़ेगा, 2 हमारे पास है इसमें कॉम्बिनेशन, तो हमें कोई एक ही चलना पड़ेगा इन कॉम्बिनेशन में। अगर हमारे पास यहाँ पर 5 4 जगह कोई और नंबर होता, जैसे 5 होता, तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट यहाँ पर ला सकते थे, पर जैसे कि हमारे पास ये है 4 है, इस टाइम हमारे पास 4 है, तो हम इसको टोटल करके नहीं चल सकते, ये रूल है हमारा, जब बार पे हो तो उस केस में नहीं चल सकते हैं, इसे हमारा वो दोबारा मतलब वही हो गया, हमारा टर्न स्किप हो जाएगा, जब तक वो कोई सिंगल नंबर नहीं आता था जहाँ पर हम ये ला सकते। अगर हमारा 5 आता तो हम इसको यहाँ पर ले आते, फिर हम नेक्स्ट चेकर चल पाते, टर्न तो एक ही, फिर हमारा टर्न तो हो जाता है स्किप, फिर अगले टर्न में हम कोई सा भी चेकर मूव कर सकते हैं।
अब जब तक आपका कोई भी चेकर बाहर पे, आप कोई और चेकर मूव नहीं कर सकते जब तक आपने चेकर को वापस अपने अपोनेंट प्लेयर के होमबोर्ड में नहीं लाया। जो आपका चेकर मान लीजिए ये वाला चेकर है, आपके प्लेयर ने, आपके प्लेयर ने मतलब अपोनेंट प्लेयर ने ये चेकर आपको होमबोर्ड पे ले आया है, मतलब आउट कर दिया है, तो आप ये चेकर को जब दोबारा जिंदा करोगे तो आप इस चेकर को यहाँ पर ना ला के इस अपोनेंट के होमबोर्ड में लाओगे। मतलब जो भी नंबर रहेगा उस नंबर के अकॉर्डिंग उस पर रखना, 1 2 3 4 जो नंबर नहीं बताया था आपको, उस नंबर के अकॉर्डिंग अपोनेंट के होमबोर्ड पे रखना है। तो दोस्तों ऐसे ही करते हैं गेम। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, हमारे जो भी चेकर्स है उस चेकर्स को अपोनेंट के होमबोर्ड से लेकर हमें अपने होमबोर्ड तक लाना होता है। उसके बाद क्या करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ अब। तो क्या करते हैं, जैसे कि आपने चेकर को बचते बचाते गेम खेलते हुए अपोनेंट के होमबोर्ड से अपने होमबोर्ड तक ले आए हैं, उसके बाद आपका फाइनल स्टेप है जो पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि दोनों अपोनेंट ने अपने अपने चेकर्स को अपने होमबोर्ड में ले आया है, अब जिसका भी टर्न है अब उसको क्या करना है, अब आपको करना है कि आपको जो सारे चेकर्स है उनको बियर ऑफ करना है। बियर ऑफ करना मतलब कि आपको जो भी चेकर्स है अब उनको अपने होमबोर्ड से पास करना है, इसको कह लो पास कर लो या फिर बाहर कर लो। इसको कैसे करना है, उसी तरह से जैसे आप खेलते हैं, डाई लेंगे उसको रोल करेंगे और जो भी नंबर आएगा, जैसे 4 और 1 आया, 5 आया है, तो हम जैसे 5 आया 1 आया तो हम इसको, ये जो हमारा बोर्ड है होम बोर्ड से बाहर लाना है, तो ये हो गया हमारा 1 है, तो हम चाहे इसको 1 को बाहर ला सकते हैं, ये हमारा हो गया पास जिसको कहते हैं बियर ऑफ, ठीक है। और 4 आया तो हम किसी नंबर को 4 चलेंगे, जैसे ये नंबर है तो हम 1 2 3 4 तो 4 करके यहाँ चल सकते हैं, या तो डायरेक्टली 4 और 1 टोटल 5 करके कोई एक डायक को मतलब एक चक्कर को यहाँ बाहर ला सकते हैं। इस तरह से हमें धीरे धीरे करके सारे चक्कर्स को यहाँ लाने होते हैं। मान लीजिए कोई नंबर ऐसा है कि जो आप नहीं चल सकते, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे कुछ चक्कर्स यहाँ पर आ चुके हैं, कुछ चक्कर्स ऐसे बचे हैं, मान लीजिए यूँ करके ऐसे बचे हुए चक्कर्स हमारे, और ये चक्कर है इसको पास करने के लिए हमें चाहिए 3 तो 5 6 नंबर चाहिए। हमारे कोई भी आगे, मान लीजिए आपके पास 6 आया है, 5 आया है, 4 मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई नंबर आया जो कि नहीं चल सकते, क्योंकि 4 है, इन दोनों को चलने के लिए इसको 2 चाहिए, इसको 1 चाहिए, और इन दोनों को चलने के लिए 6 चाहिए पास करने के लिए, और 4 और 5 हैं इनका टोटल भी 9 होते हैं, तो हम किसी को चल नहीं सकते। तो इस केस में आपको अपना चांस लूज़ करना पड़ेगा और अपोनेंट चलेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई दो नंबर सेम आ जाते हैं यहाँ पर, इस केस में दो नंबर सेम आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, वो क्या करते हैं तो उसका जो हम सम है उसका 2 और एक्स्ट्रा मूव ले लें, जैसे 5 है 2 बार चलना है, ये डबल आ गया तो हम 5 और 2 बार चलेंगे, यहाँ पर 4 बार 5 आ जाता है, तो इस केस में 4 और 5 आ जाता है, पर हम चल कैसे सकते हैं क्योंकि हमें 5 नहीं चाहिए, पास होने के लिए हमें 6 चाहिए, 4 बार 5 आ जाते हैं, यानी कि 20 आ गया, आपको चलना है 20। तो जैसे मैंने आपको बताया था आप कॉम्बिनेशन इसका बना सकते हैं 20। तो दोस्तों इसका कॉम्बिनेशन जो बनेगा या तो 5 का बनेगा या तो 15 5 15 15 5 10 और 10 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इस केस में हम यहाँ पर नहीं चल सकते, हमें मूव स्किप करना पड़ेगा, इसको भी स्किप करना पड़ेगा, हमें तब तक चलना है जब तक हमारे ये सारे गोटी नहीं हो जाते, अपोनेंट की गोटी, अपोनेंट से पहले हमारे सारे चेकर्स को अपने होमबोर्ड से बियर ऑफ करना है, बाहर निकालना है, और जिसका सारे चेकर्स बाहर सबसे पहले आ गए वो इस गेम को जीत जाता है। तो इसी तरह से गेम को जीतते हैं, अगर आपसे पहले आपका ओपोनेंट ने सारे चेकर्स आपको बाहर कर लिए अपने होमबोर्ड से तो वो गेम जीत जाएगा, आप हार जाएंगे। तो ये होता है गेम, चेकर्स को जैसे सेटअप करते हैं मैंने आपको बताया था, अब अपोनेंट के होमबोर्ड से उसको एंटी क्लॉकवाइज लाते हुए अपने होमबोर्ड तक लाना है। सबसे पहले सारे चेकर्स को अपने होमबोर्ड में लाना है, अपने होमबोर्ड में लाने के बाद आपको बियर ऑफ करना है। जब तक आपके सारे चेकर्स आपके होमबोर्ड में नहीं जा जाते तब तक आप बियर ऑफ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, यही ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए गेम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।